आ गई धक्के खाकर, शर्म तो तुझे आती नहीं है। शर्म किस बात की राहुल, मैं कोई गलत काम करने गई थी, सत्संग में गई थी, और सत्संग में जाना धक्के खाना नहीं होता। ओह कम ऑन पापा, आप भी सत्संग में चला करो ना, वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता है, फिर आपकी नशे की आदत भी छूट जाएगी। चुप रहो तुम, तुम्हारी अभी खेलने पढ़ने की उम्र है, चलो अंदर पढ़ाई करो। और हाँ, तुमने रोज रोज का ये क्या ड्रामा बना रखा है, लेती है और मुंह उठाकर चल देती है, क्या मिलता है तुम्हें वहाँ जाकर? तुम एजुकेटेड हो, वहाँ जाकर अपना समय क्यों खराब करती हो? घर और बच्चों पर ध्यान दो। जी आप जब तक, तुम्हें पता नहीं है सारे बाबा लालची ढोंगी और अय्याश होते हैं, कितने केस सामने आ रहे हैं, हर रोज मीडिया में एक नए बाबा की असलियत सामने आ रही है। लेकिन राहुल, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा मैं कोई मूर्ख तो नहीं। मूर्ख नहीं तो और क्या हो तुम? हाँ हाँ, जब मैं तुम्हें चिकन बना बना कर खिलाती थी तब मैं बहुत समझदार थी, जब तुम्हारे साथ नाइट पार्टीज में जाती थी तब मैं बहुत अच्छी थी, और आज जब मैंने भक्ति की तरफ कदम बढ़ाया है तो मैं मूर्ख बन गई। तुम क्यों नहीं समझते राहुल, ये काल का बहुत बड़ा जाल है, जब 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे बनकर जीवन बिताना पड़ेगा तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। अच्छा, आज भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है और इसका उद्देश्य केवल भक्ति करना ही है। तेरे से तो बात करना दिमाग खराब करना है अपना। अरे इसमें दिमाग खराब करने की क्या बात है, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ, और आप जो ये व्यसन करते हो इससे आपको महाकष्ट होगा, यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। अब फिर शुरू हो गई तू? राहुल कभी मेरी भी सुन लिया करो, यह मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए ही मिला है। तो भगवान की भक्ति करो ना, इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? राहुल मैं प्रोफेसर हूँ, कोई अनपढ़ या पागल नहीं कि किसी की भी बात पर विश्वास करके उसे सच मान लूं। देखो यह तो सभी जानते हैं कि गुरु बनाना जरूरी होता है, लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, और आज के दिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, और मैंने भी उनके ज्ञान को सभी शास्त्रों से मिलाकर ही उनसे नाम दीक्षा ली है। तेरे संत रामपाल जी भी तो जेल में है ना, उन पर भी आरोप लगे है ना, ये सारा देश बाबाओं से भरा पड़ा है, सारे देश में हाहाकार मची पड़ी है, कोई फायदा नहीं इनका। राहुल तुम भी मीडिया वालों की बातों में आ गए, लाखों ढोंगी बाबाओं की भीड़ में संत रामपाल जी महाराज का नाम घसीटा जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे उस दिन तुम भी संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करते नहीं थकोगे। अबे यार ये सब ढोंगी है। सही बात है आपकी, दरअसल संत रामपाल जी को छोड़कर सभी नकली है, जिन्हें ना खुद को ज्ञान है ना ही वे खुद विकारों से दूर हैं। अकेले संत रामपाल जी ही ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रमाणित ज्ञान देने के साथ साथ नकली पाखंडी गुरुओं के अज्ञान का पर्दाफाश किया है, और सच्चाई तो ये है कि इन नकली गुरुओं से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने का भी कोई लाभ नहीं है। मेरे सामने ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी, और आगे क्या होगा किसने देखा है? राहुल कुछ काम बिना दिलचस्पी के भी करने पड़ते हैं, और जब आपको पता चलेगा कि सही भक्ति के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता है और नर्क में उस प्राणी को क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, तब आपकी भक्ति में दिलचस्पी भी बनेगी और आपके ये व्यसन भी छूट जाएंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, नर्क और स्वर्ग सब यही है, और तेरे जैसी मेरे पल्ले पड़ गई, इससे बड़ा नर्क और क्या होगा मेरे लिए, आई है उपदेश देने। लेकिन राहुल चुप, बहुत हो गई तेरी बकवास, एक घंटा हो गया तुझे बकबक करते, शर्म नहीं आती अपने पति से बहस करते हुए? छोड़ दो मुझे।
कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हे महाराज, ये मुझे कहाँ ले आया? हे भगवान, मुझसे क्या गलती बन गई जो मुझे यहाँ लाया गया? हे दुष्ट प्राणी, जो भक्ति नहीं करता उसे यही लाया जाता है। लेकिन महाराज, ये मेरा मित्र रामचंद्र तो सारा दिन भक्ति करता रहता था, इसने तो गुरु भी बना रखा था महाराज, फिर इसे यहाँ लाकर इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है महाराज? इसने जो भक्ति की वो शास्त्र विरुद्ध थी, और इसके गुरु भी ढोंगी और पाखंडी थे, जिनको नाम दीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं था। अपनी मर्जी से गुरु बनने वालों को भी यही सजा मिलती है। माफ करना महाराज, मुझे ये बात पहले किसी ने नहीं बताई। अच्छा, तुझे पता नहीं चला? ये देख दुष्ट। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि गुरु बनाना जरूरी होता है। मेरे सामने ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत तो है नहीं, और ना ही मुझे तीन बातों में कोई दिलचस्पी। और आगे क्या हुआ, किसने देखा? राहुल, कुछ काम बिना दिलचस्पी के भी करने पड़ते हैं, और जब आपको पता चलेगा कि सही भक्ति के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता है और नर्क में उस प्राणी को क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं, तब आपकी भक्ति में दिलचस्पी भी बनेगी और आपके ये व्यसन भी छूट जाएंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। माफ करना महाराज, तो क्या मेरी बीवी का गुरु सच्चा है? हाँ, पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज ही नाम दीक्षा देने के अधिकारी और पूर्ण गुरु हैं। मेरा उनको नमन है। गलती हो गई महाराज, मुझे एक मौका दे दो महाराज, सिर्फ एक मौका। अब मैं गलती नहीं करूंगा भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो मुझे। माफ? और तुझे? अरे दुष्ट आत्मा, तुझे तो घोर नरक में डाला जाएगा, ये देख। आ गई धक्के खाकर, शर्म तो तुझे आती नहीं है? शर्म किस बात की राम? मैं कोई गलत काम करने गई थी, सत्संग में गई थी, और सत्संग में जाना धक्के खाना नहीं होगा। तुमने रोज रोज गई, क्या ड्रामा बना रखा? लेती है और मुंह उठाकर चल देती है, क्या मिलता है तुम्हें वहाँ जाकर? जब तू बकवास करता घूमता था तब तेरी धर्म पर सत्संग में जाया करती थी, और फिर भी तूने क्या किया? तूने खुद तो भक्ति की नहीं, और उल्टा तेरी धर्म पर जो सत भक्ति करती थी उसका तूने विरोध किया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा दुष्ट, तूने तो रावण से भी ज्यादा अपने कर्म खराब किए हैं। रावण खुद कैसा भी था, लेकिन उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी जो सत भक्ति करती थी उसका उसने कभी विरोध नहीं किया। नहीं महाराज, मुझे नरक में मत डालो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे महाराज, मुझे माफ कर दो। अभी नरक क्या, नरक के पाप तो कुत्ता गधा भी बनना पड़ेगा मूर्ख, ले जाओ इसे नरक में। रहम करो दाता, मुझे बख्श दो, एक मौका दे दो भगवान, बस एक मौका, छोड़ो मुझे। रिया देखो, मैं आ गया रिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा रिया, तुम टेंशन मत लो रिया। रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रिया। रिया, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? रिया, रिया अंकल, आंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिया, मुझे देख क्यों नहीं रही हो तुम? संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही नाम दीक्षा देने के अधिकारी और पूर्ण गुरु हैं। अंकल,
अंकल आप देख क्यों नहीं रहे हो अंकल? और आप जो ये व्यसन करते हो इससे आपको महाकष्ट होगा, यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। शिट, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, ऐसे कैसे मर सकता हूँ मैं? जय जय बेटा। जय, सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा बेटा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग जाया करूंगा बेटा। जय जय, तुम मुझे देख रहे हो ना? रिया, आई प्रोमिस यू, मैं नशे और बुराइयां सब छोड़ दूंगा। रिया रिया, तुम मुझे देख पा रही हो ना? रिया, अभी नरक क्या, नरक के बाद तो कुत्ता गधा भी बनना पड़ेगा मूर्ख। प्लीज भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान। प्लीज भगवान, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो भगवान। मैं अपने कर्म सुधार कर भक्ति करना चाहता हूँ भगवान। मेरी कुछ दिन और उम्र बढ़ा दो भगवान भक्ति करने के लिए। प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, प्लीज, प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, एक मौका। कुछ नहीं, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बताओ तो, हुआ क्या? मैं भक्ति करना चाहता हूँ रिया, प्लीज मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो रिया। अभी राहुल, अभी चलो रिया प्लीज। लेकिन नामदान सेंटर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। नहीं रिया, मौत का कोई भरोसा नहीं है रिया, प्लीज अभी चलो रिया, प्लीज अभी चलो रिया प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी अभी चलते हैं, चलो। दोस्तों, जो इंसान इस वीडियो को देखकर भी नहीं जागा तो वो समझो इंसान नहीं पत्थर है। रिया बड़े भक्ति भाव से सत्संग जाती है और बुराइयों से काफी दूर है। वहीं दूसरी ओर राहुल नशा करता है, तरह तरह की बुराइयां करता है, लेकिन फिर भी राहुल ये समझता है कि रिया गलत है और सत्संग केवल गलत लोगों का एक समूह है।
इस सच को भी नहीं छुपाया जा सकता कि बहुत से बाबाओं ने भक्ति को मजाक बनाकर रख दिया है और इस क्षेत्र को अंधविश्वास और पाखंडवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर यदि सच्चाई समाप्त हो गई तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और वो सच्चाई और सच केवल संत रामपाल जी के पास है। संत रामपाल जी ही विश्व के एकमात्र पूर्ण गुरु हैं, जिनके पास नाम दीक्षा का तथा शिवों को पार करने का अधिकार है। जिस प्रकार राहुल मरने के बाद धर्मराय के पास पेश होता है और कहता है कि मुझे नरक में मत डालो, मुझे पता नहीं चला कि भक्ति करनी भी आवश्यक है। दोस्तों, यदि भक्ति नहीं की तो हमारे साथ भी यही होगा जो राहुल के साथ हुआ। नरक और 84 लाख योनियां तैयार हैं। आज हम नशे में हैं और कोई हमें समझाने की कोशिश करता है तो यह कहकर टाल देते हैं कि आगे का किसने देखा है। ये उन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी जिन्होंने संत रामपाल जी को नहीं पहचाना। जैसे राहुल सत्संग में जाने वालों को पागल समझता है और अपने आप को बुद्धिमान, लेकिन आपने देखा कि राहुल के साथ क्या हुआ। दोस्तों, सारे विश्व से हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी कोई आम आदमी नहीं है, उनको पहचानो, उनको समझो और उनसे मोक्ष मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाओ।